मेरा शहर बड़ा दिल बड़ा के मिल जरा छोटे बिल बना मैं लफ्जों को तोलो जिला कवा मेरा बंदा चिल बड़ा पर मैं पिल पेना मैं जैसे उर्दू रैप करा के मिलता दिल पेना पिल पिला क्यों। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज योर बॉय दिस इज दी केन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो यार, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे सिंधी, पंजाबी, बलूची, महाजर और भी जो बाकी कौम में रह गई हैं सब मिलजुल कर एक साथ रहती हैं। सो अगर हम बात करते हैं कराची की, तो कराची में अक्सरियत जो है महाजर है, और महाजर की जब बात आती है तो अगर हम पास्ट में देखें तो हमारा कोई कल्चर डे नहीं होता था, लेकिन इस बार कुछ अथॉरिटीज़ और आवाम के बेहद इसरार पे महाजिर लोगों ने, जितने भी महाजिर कम्युनिटी है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कल्चर डे मनाएं अपना, जो कि 24 दिसंबर 2020 को मुनक्किद रखा गया। सो आज है 24 दिसंबर, मुझे नहीं पता है मैं व्लॉग कब अपलोड करूँगा। सो अभी बजे हैं दोपहर के 12, और कहा यह गया है कि करीमाबाद जमात खाने से लेके 2 बजे पीस वॉक स्टार्ट होगी, जो कि रैली की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और वो मज़ार कायद पर जाके ख़त्म होगी। 2009 में जब MKM थी तो बसंत मेला भी मनाया जाता था, जो कि महाजिर कम्युनिटी बहुत शौक से मनाती थी, और इसके अलावा और भी प्रोग्राम जिना ग्राउंड में मुनक्किद किए जाते थे। लेकिन 2009 के बाद और आज 2020 में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले जो MKM जमात थी वो वन ऑफ द टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट जमात थी इस मुल्क की, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से अब वो जमात तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। लेकिन महाजिर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महाजिर वैसे का वैसे ही है। सो अगर कोई समझ रहा है कि महाजिर ख़त्म हो गया है या महाजिर की वैल्यू ख़त्म हो गई है इस मुल्क के, तो ऐसा नहीं है भाई। जिस तरह बाकी सिंधी, बलोची, पठान हमारे भाई हैं, इसी तरह हम भी उनको अपने भाई समझते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ रैली में, और रैली में जाके मुझे देखना है कि क्या 2009 की ग्लिम्स मुझे नज़र आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर 2020 की बिल्कुल सादी रैली होगी। चलो चल के देखते हैं फिर। रैली की जो मुझे सबसे ख़ास बात लगी ना, कि ये एक पीस वॉक थी, सही है, और ये रोड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे थी, इससे बिल्कुल भी ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं हुआ, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई एम्बुलेंस नहीं बसी, क्योंकि मैं वहाँ 1 से 1.5 घंटा था, तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंस भी जा रही थी और लोग भी चेयर अप कर रहे थे एक दूसरे को। और जो दूसरी सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस रैली की, कि यहाँ पे जो झंडे थे महाजिर के वो फ्री में मिल रहे थे। फ्री में इसलिए मिल रहे थे कि अगर कुछ अल्लाह ना करे आगे जाके कुछ होता है तो उस झंडों में से झंडे निकाल के डंडे का इस्तेमाल कर लिया जाए। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो झंडे भी फ्री में मिल रहे थे, और एक स्टेज भी लगा हुआ था जहाँ पे लोग अपने आके टैलेंट, कोई भी अगर गायकी अच्छी करता है, कोई सिंगर है या कोई शेर अर्ज करना चाह रहा है तो वहाँ पर आके कर सकता है। सो मैं तो गया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ था। और यही नहीं कि महाजिर कम्युनिटी, मैं बाकी कम्युनिटी को भी बोल रहा हूँ, जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, या फिर जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, अगर आप कोई दिन मनाना चाहते हो तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें हाज़िर होंगे, क्योंकि आप भी हमारे मुल्क के एक हिस्सा हैं, हमारे भाई जैसे हैं। तो यार, इस वीडियो बनाने का मतलब कोई हेट नहीं है, सिर्फ लोगों को उजागर करना है कि महाजिर अभी भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, इस मुल्क में। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।